वॉज अ प्रोग्राम कॉन्टेस्ट जहाँ पर अवनीत कौर गेस्ट थी. हाँ यस यू हर्ड राइट. अवनीत कौर जो कि स्टार है, एक एक्ट्रेस है, मॉडल भी हैं, तो सब कुछ वो अभी करते हैं इंडस्ट्री में. एंड वो थी चीफ गेस्ट अवनीत कौर. एंड सागर आनंद भी थे जो कि आई थिंक स्कूल 7 कुछ लव स्कूल में आए थे वो. एंड या हे गाइस, दिस इज मी भावना अरोड़ा एंड वेलकम बैक टू वी क्रिएशन. सो बेसिकली आज हम आए थे NFMG ग्रुप के जो मिस इंडिया इंटरनेशनल स्टार कॉन्टेस्ट हुए थे यहाँ पर. मैंने फोटो फर्स्ट टाइम रेनबो कर लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा. इसके कई सारी गिफ्ट आपको मिलेगी. यहाँ पर फॉर्मल भी किया, आउटफिट कैजुअल आउटफिट में भी किया एंड प्रैक्टिस ग्रूमिंग में. तो काफ़ी अच्छा था, बहुत फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस था, बट तो गाइज एज यू गोट टू नो कि मैंने एक पार्टिसिपेट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम एक रैम्बो करियर, जैसे मैंने फर्स्ट इंट्रो में बताया है. सो इसमें 3 राउंड हुए थे बेसिकली, कह सकते हैं 2 राउंड ऑफिशियल थे, बाकी सब प्रैक्टिस और ग्रूमिंग थी. तो सबसे पहले जो हुआ था वाइट शर्ट में एंड ब्लू जीन्स में, वो एक ग्रूमिंग सेशन था जिसमें थोड़ा सा बताया कि कैसे आपको वॉक करना है, कहाँ पर स्टॉप लेना है, आप चेक कर सकते हो. उन्होंने ग्रूम किया तो इट वॉज अ लाइक फ्री टाइप ऑफ ग्रूमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि शोज़ में जो फ्री ग्रूमिंग बहुत मुश्किल होती है, बट यहाँ पर फ्री ग्रूमिंग थी. एंड बाकी भी मैं डिटेल्स बताती हूँ. बाकी उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड हुआ था वो हमारा फॉर्मल राउंड कर दिया था, जबकि पहले इन्होंने हमें बोला था कि कैजुअल आउटफिट में होगा. तो जैसे कि उन्होंने फॉर्मल कर दिया, फॉर्मल मैंने ब्लैक पहना है, ब्लैक वन पीस, यू कैन चेक दैट क्लिप एज वेल, आपको सब मिलेगा इसमें. तो फॉर्मल के बाद हुआ था कैजुअल वेयर, जिसमें ये रेड पहनना था. मैं घर आ चुकी हूँ, आई मीन सेम में आई थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये रेड आउटफिट, मुझे सबसे अच्छा लगा. तो कमेंट में बताना कि आपको कौन से आउटफिट में पसंद आया मेरा लुक. एंड बाकी काफ़ी अच्छा था, मैंने एक बार चेक भी किया था, आप चेक भी कर सकते हो. अवनीत कौर और शिव ठाकरे की पोस्ट में ये अवेलेबल है, तो NFMG ग्रुप की तरफ से था. मिस्टर एंड मिस इंडिया इंटरनेशनल स्टार 2023 सीजन 2. सो मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, मैं वो भी लगाऊंगी. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी. जब मैं ही गई थी, मैंने रिकॉर्ड किया था, तो थोड़ी बहुत मैंने क्लिप ही वहाँ पर कर पाई थी एंड वो अरेंज करी, देन मैं उसमें वॉइस ओवर दूंगी. बाकी आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा क्या क्या राउंड थे. मैं थोड़ा बहुत उसमें ऐड ऑन भी कर दूंगी ताकि आपको सबटाइटल के थ्रू पता चल जाए कि क्या थी अच्छा था. और रैम वर्क तो बेस्ट, इट वॉज अ सेमी फिनाले बाय द वे. सो गाइज, यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा व्लॉग. हम सुबह सुबह जल्दी से निकल गए थे, मेट्रो से हम जाने वाले थे. एंड देखो मेरे छोटू से बैग में सब कुछ आ गया था, तो मैं जस्ट नॉर्मल रेडी होके जा रही थी क्योंकि मुझे पता था वहाँ पर रेडी होना है. सो वी आर गोइंग एंड वी आर ऑन द वे. तो थोड़ी बहुत वीडियोस तो बनती है यार. सो हम पहुंच गए थे ओरा ओरा की साइड में, चेत्रियस पार्टी हॉल था जहां पर हमें जाना था. काफ़ी अच्छा लग रहा था बाहर से तो. एंड इट वाज दी वेलकम बाय NFMG प्रोडक्शन, जहां पर काफ़ी भीड़ थी ऑलरेडी एंट्री के लिए एंड काफ़ी कंटेस्टेंट खड़े थे, आप चेक कर सकते हो एंट्री. सो सबसे पहले हम मिले स्पेशल गेस्ट गणेश जी से.
यू माई फर्स्ट आउटफिट ये थी वाइट टी शर्ट एंड डेनिम जीन्स एंड बहुत सिंपल सा लुक था बेसिक सा जिसके साथ हील पहनी थी मैंने एंड बस सिंपल सा मेकअप बाय मी ओनली सो यू कैन चेक दिस आउट ये प्रैक्टिस ऑफ ग्रूमिंग के लिए सो आफ्टर दिस ग्रूमिंग सेशन हमने थोड़ा सा यहाँ पर फोटोशूट कराया यू कैन चेक दिस माई पॉजेस एंड देन टाइम आ गया था रिफ्रेशमेंट का जहाँ पर हमें मिला था फ्रूटी और समोसा अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को एंड शेयर कर दो फैमिली फ्रेंड्स जिनके साथ भी आप शेयर करना चाहते हो क्लिप्स अटैच करी है ये बेसिकली ट्रायल्स हैं मैंने इवेंट से पहले जो भी ट्रायल किए थे तो ये था कुछ डेनिम एंड वाइट टी शर्ट एंड कुछ ब्लैक ड्रेसेस में भी मैंने ट्राई किया था जिनमें सबको मैंने कुछ चीज़ें बाय करी थी ये नहीं लिया था ये लिया था जो आपको पता ही है यही मेरी ड्रेस थी फॉर्मल ड्रेस एंड जो लास्ट वन थी वो मुझे काफ़ी पसंद आई थी बट फिर भी मैंने वो ना लेकर ये वाली बाय करी थी आई डोंट नो क्यों बट मैंने ये ली थी अब यहाँ तक पूरी वीडियो देख ली है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कॉमेंट कर दो तो मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगेगा एंड मैं और भी ऐसी वीडियोस लेके आऊँगी थैंक यू फॉर वॉचिंग